Good morning, children. I am Mrs. Shivi Shah from Study Hall Educational Foundation. As you all know, I teach mass communication. So today I will guide you for tactical file. So I will give you some general information and instructions for the practicals. As you all know, mass communication is a practical subject, and 20% of the marks are from practicals. 20 marks. Okay, you have 80 marks paper and 20 marks are for practicals and viva and file. So you have one lab manual with you. Proper instructions are given in this. You can see, aap aram se dekh sakte hain ki isme puri information di hai. किस तरह से प्रैक्टिकल क्यों कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकल्स कौन कौन से मॉड्यूल से क्या क्या है, फिर आपके किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो मैं आपको भी समझाऊंगी लास्ट में. मेन चीज़ है ये प्रैक्टिकल्स, जो यहाँ पे 16 प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं, ये इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करा है ये मैं आपको भी समझाऊंगी. एंड बड़े कायदे से पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ इन्होंने दिया है कैसे आपको हर एक प्रैक्टिकल को कंडक्ट करना है. सारे इंस्ट्रक्शंस हैं तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहे. जैसे आप प्रैक्टिकल वन में दिखाया है ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रैक्टिकल का, इंट्रोडक्शन, प्रोसीजर एंड कंक्लूजन. कुछ प्रैक्टिकल करते हैं तो उसके बाद कुछ रिजल्ट आता है, वो हमें कुछ सिखा के जाता है, तो दैट इज़ द कंक्लूजन. ठीक है, तो पूरी बुक में बड़े अच्छे से इन्होंने सारे आपको प्रैक्टिकल्स दिए हुए हैं. मैं आपको एक बार इसको से दिखाती हूँ, बट आपके पास होगी तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. इसको फेंकिएगा मत, बच्चे इसको ध्यान नहीं देते, बट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए. ये जनरल इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए आपको दे रही हूँ क्योंकि लास्ट में बच्चे प्रैक्टिकल्स पर ध्यान देते नहीं हैं, और प्रैक्टिकल फाइल 20 मार्क्स की है. 20 मार्क्स आपको पहले से ही मिल सकते हैं अगर आपने सारा काम अच्छे से साल भर किया है. दो प्रैक्टिकल्स आपके आते हैं, टू प्रैक्टिकल्स फ्रॉम कोर मॉड्यूल. कोर मॉड्यूल क्या है आपका, मॉड्यूल 1 to 6. दो प्रैक्टिकल होते हैं 8 मार्क्स के. ठीक है, फिर है आपका ऑप्शनल मॉड्यूल जिसमें आपको पता है ट्रेडिशनल मीडिया एंड फोटोग्राफी, तो उनमें से आप कोई भी एक मॉड्यूल चूज कर सकते हैं. एक प्रैक्टिकल आता है फाइनल्स में, उसमें से एक प्रैक्टिकल आता है. ठीक है, 4 मार्क्स, पूरा 4 मार्क्स का वो प्रैक्टिकल आपने कर दिया एग्जाम में फाइनल में, तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे. फिर आता है वाइवा. अब आपकी जो फाइल बनती है, फाइल में आपने क्या करा है, फाइल इंपॉर्टेंट है. फाइल अब मैं आपको दिखाऊंगी, एक फाइल यहाँ पे एक बच्चे की फाइल दिखाना चाहूँगी मैं आपको, थोड़ा सा हल्का सा एक लुक दूंगी मैं आपको. ये देखिए कैसे काम करा गया है, यू कैन सी काफ़ी इत्मीनान से चीज़ें लगाई गई हैं, लेबलिंग की गई है साथ में, आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट्स. हैंडबिल देख सकते हैं आप, देखिए हैंडबिल्स. कोविड पे पूरा रिसर्च है एंड रैपर्स एंड मेनी मोर. काफ़ी अच्छे से काम किया गया है, और ये आप देख सकते हैं पूरा एक फाइल बना है ऐसे, पूरा एक कोविड के ऊपर प्रोजेक्ट बनवाया है. पूरी इंफॉर्मेशन है इसमें आपकी कोविड के बारे में. ठीक है, सो इस तरह की एक फाइल बनती है आपको, जो आप प्रैक्टिकल मैनुअल से देख करके बनाते हैं इंस्ट्रक्शंस, और थोड़ा सा चेंजेस टीचर कर सकती हैं क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल्स जो हैं वो हम करंट टॉपिक तो हमें पता है एडवर्टाइजमेंट लेना है, पर करंट सिचुएशन क्या चल रहा है इस पर हम फोकस करते हैं उसके बाद. ठीक है,
तो 4 marks जो आप फाइल बनाते हैं, जैसे आपने फाइल बनाई तो आपको पता होना चाहिए कि इस फाइल में आपने क्या करा है। तो टीचर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकती है इससे रिलेटेड। तो दैट वाइवा इज ऑफ 4 marks एंड जो ये प्रैक्टिकल फाइल आप बना रहे हैं, ये फाइल ये आपके लिए पूरी तरीके से बेनिफिशियल है। वैसे तो फाइल पूरी बेनिफिशियल है बिकॉज ये सारे मार्क्स इसी से मिल रहे हैं आपको, बट ये फाइल अगर आप दिखाएंगे तो आपको 4 marks और मिलेंगे बिकॉज जो आप ये प्रैक्टिकल्स बोर्ड में करते हैं ये इसी फाइल में से तो आप करेंगे ना, जो आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है। तो ये भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में आपने खुद फाइल बनाई तो आपको पता है कि आपने क्या करा। तो वाइवा में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी आप आराम से आंसर कर सकते हैं। फिर लास्ट में है प्रैक्टिकल फाइल इट्सेल्फ गिव्स यू 4 marks, वैसे तो पूरा ही हेल्प कर रही है पर लास्ट में भी आपको 4 marks दे के जा रही है। तो इसको हल्के में मत लें, इम्पॉर्टेंट है ये फाइल। और अगर आपको मास कम्युनिकेशन आगे कंटिन्यू करना है तो प्रैक्टिकल ही सब्जेक्ट है, तो प्रैक्टिकल जितना अच्छा आप करेंगे उतना ज़्यादा आपका आगे करियर में भी फायदा होगा। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड एंड ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर क्लियर। आई थिंक सब क्लियर हो गया होगा आपको। ये मैंने इसलिए यहाँ पे प्रॉपरली आपको मेंशन भी कर दिया है किस तरीके से काम होता है हमारा, किस तरीके से हम प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।